Oh, it's nothing me. Nothing can stop me. I'm all the way up. It's me. All the way up. It's me. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way. Hey everybody, this is Ashish Thakur from Mission Natural Fitness. कैसे हो आप सभी? So guys, topic बहुत interesting है. मजा आने वाला है. मेरे उन छोटे भाइयों को और मेरे उन छोटी बहनों को जो कि वेट गेन करना चाहती है. तो यार बहुत सारे सवाल आते हैं. लड़कियां भी मतलब गर्ल्स भी इतनी इंटरेस्टेड होती है अपने वेट गेन करने में. ऑब्वियसली सबको वेट गेन अच्छी, सबको अपनी बॉडी से प्यार होता है. तो छोटा सा टॉपिक है यार. आप सब मुझसे पूछते रहते हो कि यार मैं कौन सा वेट गेनर लूँ, कौन सा वेट गेनर लूँ, कौन सा मास गेनर लूँ. तो आज का टॉपिक यही है गाइज. आप थंबनेल देख चुके हो. जो मेरी आदत है, जो मैं थंबनेल डालता हूँ वही मेरा वीडियो में होता है. तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं. गाइज आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ हो सके तो यार आपके भाई को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना. अपना टेस्ट बदलो यार. कब तक उन पुराने टेस्ट में रहोगे? थोड़ा चटपटा करो टेस्ट को. सो स्टार्ट करते गाइज अपना टॉपिक. तो बेसिकली आज का टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है गाइज क्योंकि यहाँ पर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस बॉडी के ऊपर यानी कि किन लोगों को किस तरीके का मास गेनर लेना चाहिए जो उनकी शरीर पर यानी उनकी फिजिक के ऊपर सूट हो जाए. बेसिकली हमें हमेशा मास गेनर हो या वेट गेनर, गर्ल्स के लिए भी ये मास गेनर हो या वेट गेनर, दोनों में सिर्फ दो चीज़ें देखनी होती है, कैलोरी और फैट. प्रोटीन का उसमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है. अगर आप मास गेनर या वेट गेनर ले रहे हो तो ये तो भूल जाओ कि प्रोटीन आपको एक स्कूप में 24 ग्राम मिलेगा. नहीं मिलेगा, वो फैट या कैलोरी ही देता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा. हम लेते ही इसलिए है, कैलोरी के लिए ही लेते हैं. ज़्यादा कैलोरी इंटेक के लिए, ज़्यादा कैलोरी सरप्लस के लिए ही लिया जाता है वेट गेनर या मास गेनर. तो बेसिकली गाइज अगर आप कोई सा भी मास गेनर आप चूज़ कर रहे हो, मैं भी बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखें जो मैं अभी आपको मोबाइल में बताऊंगा कि क्या मेन चीज़ आपको उसमें, क्या मेन बातें आपको उनमें देखनी पड़ती है. तो बेसिकली आपको देखना है कि कितना ग्राम फैट है पर स्कूप, कितना ग्राम आपको पर स्कूप कैलोरी इंटेक हो रही है. किसी किसी में 300 कैलोरी लिखी हुई होती है, किसी किसी में 100 कैलोरी लिखी होती है पर स्कूप के अंदर. तो आपको यही बातों पर ध्यान देना है. अब बात आती है इसमें सेकंड चीज़, शुगर लेवल. गाइज मास गेनर हो या वेट गेनर हो, आपको शुगर तो बहुत ज़्यादा मिलना ही मिलना है. तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, आपको 3:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो मिलेगा तो कोई बात नहीं. ज़्यादा स्किनी हो, बहुत ज़्यादा वेट कम है तो मेक श्योर आप ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर वर्कआउट और डाइट और पानी शानदार तरीके से पीते रहना, खाते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बेसिकली गाइज आपने जब भी कोई भी मास गेनर वेट गेनर लेना है, अगर आप ये फ़ोटो देख रहे हो इस तरीके के हो, ये मेरी ही फ़ोटो है, आज से 5 से 6 साल हो गए मुझे भी. अभी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है वेट, यू नो लॉकडाउन चल रहा है इस चक्कर से आप काफ़ी ज़्यादा लॉस लग रहा होगा. मैं बिल्कुल किया है, मैंने करीब 3 kg लॉस कर दिया मैंने अपना बॉडी का. 90 kg से 87 का आ गया हूँ मैं. तो वह इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट बेसिकली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. आपको होम वर्कआउट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस तरीके के हो जैसा मैं को मुझे आप पिक में देख रहे हो, तो आप ऐसी सिचुएशन में अपने लिए किस तरीके का वेट गेनर या मास गेनर ले सकते हैं वो देखिए. तो बेसिकली गाइज जैसा कि आप अभी देख रहे हो, मैंने अपना अमेज़न खोल लिया है. इसमें मैंने, अगर आपको कोई भी नाम नहीं पता तो सिर्फ मास गेनर्स ही लिखे, या फिर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मास गेनर्स के मैंने रिव्यू कर रखे. चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पेस्ट करें अपने अमेज़न के अंदर. तो यहाँ पर मैंने मास गेनर डाला. देन यहाँ पर वन लाइफ का मास गेनर आया सबसे पहले, क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी खासी है, 3.5 स्टार है यहाँ पर. बट ये साहिल खान का ब्रांड नहीं है तो ध्यान रखें. अब आपको देखा, सबसे पहले आपने जाना बना ब्रांड आ गया यहाँ पर मसल ब्लेज. अब आपको मसल ब्लेज में ऐसी कौन सी चीज़ देखनी, कोई सा भी मास गेनर हमने पुट ऑन यानी कि लिया, अब इसमें देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या है. चॉकलेट फ्लेवर ये 3 kg का जो 2899 रुपये का आ रहा है. अब सबसे पहले आपने इसमें क्या क्या देखना है, मैं सिर्फ एक बात बताऊँ आपको कि आपने इसमें क्या देखना है. थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो हम इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं अभी, जो कि आने वाली है अभी. तो गाइस ये आ गई इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन. तो बेसिकली गाइस आपने सबसे पहले ये देखना है कि स्कूप जो है वो 100 ग्राम का होगा. अब पर 100 ग्राम यानी कि एक स्कूप 100 ग्राम का बनेगा इसमें.
अब ये देखिए आप इसमें एक स्कूप के अंदर जो 100 ग्राम, अब आप ये मत सोचिए कि स्कूप बहुत छोटा होगा, 100 ग्राम बहुत बड़ा होता है स्कूप ये। तो आपने इसे कैसे लेना है वो मेरे पिछले वीडियोस में आप देखिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट करूँगा, जाके देखिए किस तरीके से लेना है। तो 374 ग्राम आपको इसमें कैलरी मिलेगी, याद रखे 374 ग्राम, यानी कि ये देखिए आप कि पर स्कूप के अंदर आपको 374 कैलोरी मिल रही है यहाँ पर। उसके अलावा आपको प्रोटीन इसमें 20 ग्राम मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पर स्कूप के अंदर। देन आपने शुगर लेवल देखा है इसमें 6 ग्राम्स, एंड फैट देखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फैट देखना, तो फैट इसमें 2 ग्राम मिल रहा है। तो बेसिकली अगर आप 0.5 ग्राम 0.6 ग्राम के अगर मास गेनर्स ले रहे हैं तो उसे अवॉइड करना है आपको, कम से कम 1 से 2 ग्राम वाले फैट गेनर, मतलब मास गेनर या वेट गेनर की तरफ जाना है। अब बेसिकली गाइस, अब उन लोगों की बात आती है, इंटरमीडिएट लोगों की बात, जो कि एज भी अच्छी खासी है, 18 प्लस है, वेट अभी उनका 70 kg है, लेकिन थोड़ा सा और पुट ऑन करना चाहते हैं वेट को। अब वो कौन सा वेट गेनर या मास गेनर है? तो गाइस मैं आप लोगों को जो है वो वेट गेनर सजेस्ट करूँगा, मास गेनर सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वेट गेनर में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक आपको मिल जाता है, 19 ग्राम 18 ग्राम 3 स्कूप के अंदर। अगर ये पर डे आप 3 स्कूप लेंगे तो उसमें 19 ग्राम प्रोटीन भी आपका कवर हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट्स के लिए मैं वेट गेनर ही रिकमेंड करूँगा, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 महीने तो आपको वर्कआउट करना है, और उसके बाद आपको जा करके आपका ये गेनर, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी बातें इसमें देखनी है, तो आपको ये वाली गेनर या मास गेनर आपको लेने हैं आपके लिए। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है कि अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो कौन सा गेनर या मास गेनर ले। बेसिकली गाइस गर्ल्स के लिए काफ़ी सारे गेनर्स हैं। अगर वो यानी कि जो मेंस लेते हैं, यानी कि जो बॉयज़ लेते हैं, वो वाले गेनर की लेना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए हैवी वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने कमेंट्स में नो लिखता हूँ उसमें, कि आप जब पूछते हो मुझसे कि मैं ले सकती हूँ या कुछ भी ब्ला ब्ला, तब मैं नो बोलता हूँ उसमें, क्योंकि वहाँ पर आपको हैवी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली गाइज आपके लिए जो डब्बा होता है ना, वो बहुत प्यारा सा डब्बा होता है आपके लिए, और एक प्यारी सी डाइट होती है आपके लिए, जिसको कहते हैं हम बनाना शेक प्लस पीनट बटर। और जो आपका डब्बा होता है वो बहुत प्यारा सा होता है, जिसका नाम होता है एंडोरा मास। ये बिगिनर गर्ल्स के लिए है एंडोरा मास, मैं यहाँ पे बिगिनर्स को ही कवर कर रहा हूँ। तो एंडोरा मास आप ले, उसके साथ प्रॉपर डाइट फॉलो करें, मेक श्योर आपको पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, मैं गर्ल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें ये सारी बातें। एंडोरा मास की स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, कौन सा एंडोरा मास है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स आ गए, अब तो देख लीजिए आप। अब बात करते हैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए अगर मैं यहाँ पर एंडोरा मास डालूँ, एंडोरा मास, तो ये देखिए 1 kg का आपका डब्बा आएगा गर्ल्स, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में भी है, बनाना फ्लेवर में भी है, ये मैं ले चुका हूँ इसलिए मैं बिना देखे बता सकता हूँ। इसमें तो केसर पिस्ता हो गया, इसमें ये कैपेचिनो नया आ गया, अब इसमें काफ़ी सारे नए नए ब्रांड आ गए, मैं तो सिर्फ बनाना फ्लेवर ही लेता था यार। तो बेसिकली आपको जैसे चॉकलेट फ्लेवर खोला, आपको कोई सा भी ब्रांड अच्छा लगे, कोई सा भी टेस्ट अच्छा लगे, वैसे सारे टेस्ट अच्छे हैं इसके, तो इसमें आपने सबसे पहले देखना है, आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ गेनर लेना है और उसको 3 बार लेना है आपको, याद रखे 416 कैलोरी मिलेगी इसमें आपको एक स्कूप के अंदर, याद रखे पर स्कूप, मिल्क के साथ में लेना है इसको। प्लस इसमें 15 ग्राम का आपको प्रोटीन मिलेगा, एंड फैट की बात करें इसमें, तो इसमें क्रूड फैट है 4.5 ग्राम, जो बहुत अच्छा खासा फैट है इसमें आपके लिए गाइस। ट्रांस फैट इसमें 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैचुरेटेड फैट थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, बट ये कोई मैटर नहीं करता गर्ल्स के लिए, तो आप ले सकते हैं इससे। तो ये हो गया आज का वीडियो गाइस, मास गेनर वेट गेनर के ऊपर। तो गाइस इसी तरीके से आपको गेनर्स लेने हैं, और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो आपने देख लिया अच्छी तरह से। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, साइन आउट।